तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी सी कोफ्ता करी बना रहे हैं। कोफ्ते तो आपने कई प्रकार के बनाए होंगे, तो इस बार आप फूल गोभी और मटर की कोफ्ता करी बनाइए। ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है और जल्दी से बन भी जाती है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो वॉच करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा ये गोभी का फूल लिया है, इसे हमें ग्रेट करना है। गोभी के फूल को अच्छे से पहले वॉश कर लें, उसके बाद ग्रेट करें। ये गोभी मैंने ग्रेट कर ली हूँ। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, इसे हाथों से इस तरीके से दबाएंगे और इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा हम हटा देंगे। ये गोभी का पानी मैंने निचोड़ दी हूँ। अब हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे, अभी आधा कप ही डालेंगे। ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का दरदरा पेस्ट है, ये एक चम्मच डाल देंगे हम इसमें। एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक छोटी चम्मच जीरा है ये, एक मीडियम साइज की प्याज बारीक बारीक कट ली हूँ मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि गोभी में मॉइस्चर बहुत रहता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पानी भी इसका निकाल दिए हैं ताकि बेसन की मात्रा कम लगे। ये कोफ्ते का मिक्सचर मेरा तैयार हो चुका है। अगर आपको फिर भी अगर ये थोड़ा हार्ड लगे तो एक दो चम्मच पानी आप डाल सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे नींबू के आकार का। मैं उस साइज के कोफ्ते बना रही हूँ, आप आपके पसंद के आकार के बना सकते हैं, छोटे बड़े। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये सारे कोफ्ते मैंने बना ली हूँ। अभी इसमें एक चम्मच जितना थोड़ा सा बैटर बचा है मिक्सर, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे हमें फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज़ ग्रेवी में करेंगे। इसे हम साइड रख देंगे और अब चलते हैं हम कोफ्तों को फ्राई करने की तरफ। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी कढ़ाई में। अब हम एक एक करके कोफ्तों को फ्राई करेंगे, जितने की कढ़ाई में आसानी से आ जाए अपने कोफ्ते हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इन्हें हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है, अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एकदम। अब हमें इन्हें निकाल लेंगे। आप इन कोफ्तों को एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं बाहर। अब इसी कढ़ाई में से हम ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल अभी बहुत ज़्यादा है, हमें ग्रेवी बनाने के लिए इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं है, चम्मच ऑयल है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, दो तीन लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च हैं, 2 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ही 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम, जीरा हमारा भुन चुका है। अब हम 1 प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। ये प्याज हमारे भून चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच भर की हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डालेंगे। अब इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं, इसे भी हमें भूनना है इसी के साथ। ये मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम आधे चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर है, ये भी हम इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम इस समय पे लो है, जैसे कि मसाले जले ना, इसे बस 1-2 सेकंड के लिए हमें चलाना है। मसाले सूखे हैं इसलिए जल सकते हैं। इसी के साथ ही मैंने 1 टमाटर की प्यूरी बना कर रखी हूँ, ये डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से।
और इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक मसाला हमारा अच्छे से भून ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये मसाले को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, सारा ऑयल भी रिलीज कर दिया है इसने। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और इसे भी हम चलाएंगे जल्दी जल्दी, जिससे कि दही फटे नहीं हमारी। और दही के साथ भी हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। ये मसाला हमारा भून चुका है, देखिए सारा ऑयल अलग हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने मसाला बहुत अच्छे से भुना है। अब जो हमारे कोफ्ते जिसमें बनाए थे, वो जो पानी बचाया था हमने, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम 2 कप जितना ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। ये पानी गर्म पानी है, ठंडा पानी न डालें आप। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और अब इस ग्रेवी को हमें बॉईल होने देना है। इसी के साथ ही 1/2 कप फ्रेंड ये ताजे मटर है। अब इस ग्रेवी को हमें बॉईल होने देना है अच्छे से। मटर को भी हम ग्रेवी में मिला देंगे अच्छे से। और अब ग्रेवी को अच्छे से हमें बॉईल होने देना है। ये ग्रेवी को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हमारे कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद में भी हमें इसे 5 मिनट और बॉईल करना है अच्छे से। इसे मिक्स कर देंगे हम और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये सब्जी को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हम। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। वो ठंडी होने के बाद में इसकी ग्रेवी और थिक होगी, इसलिए इसकी ग्रेवी इस स्टेज तक ही पकाएं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम। गोभी और मटर की कोफ्ता करी, टेस्टी सी कोफ्ता करी बनकर तैयार है। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।